अब इसके बाद मैं यहाँ की निज़ामाबाद की मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट परम आदरणीय के कविता जी को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ, जो कि तेलंगाना जागृति समिति की अध्यक्षा हैं, यहाँ की एनसीसी की नेशनल एकेडमी की डायरेक्टर साहिबा हैं, बहुत ही लोकप्रिय और डायनामिक ऐसी मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट पर आदरणीय श्रीमती के कविता जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात यहाँ पर कहें। मंच पे विराजमान मैडम नज़मा हिब्तुल्ला जी को, हमारे डिप्यूटी CM साहब मोहम्मद अली साहब को, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को और हमारे चांसलर साहब जो बहुत अच्छा बात करें। मुझे तो लगता है गुजरात से जो भी आते हैं वो बहुत बहुत अच्छा करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी करते हैं, आप भी बहुत अच्छा बात करते हैं, और इनके बारे में मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब के बात तो हम सब बहुत सुनते हैं। वी आर ऑल ग्रेट फैंस हाउ द वे ही स्पीक्स। एंड हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब है, और IDBI के चेयरमैन कारत जी है, और जो हमारे चेन्नई से पधारे हुए मौलाना साहब है, और इन सब के साथ जितने भी आज ये तालीम के ताकत के कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तालीम का ताकत, टाइटल सुन के यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में आना मैं ज़रूरी समझी, क्योंकि आज इतने प्रोग्राम्स थे। मैंने इनफैक्ट अपने डिप्यूटी CM साहब से कह भी दिया था पहले, साहब आप जाके आ जाइए, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया, और उन्होंने ये भी मुझे कहा था कि बहुत सारे वुमेन आएंगे, उनको आप ज़रूर समझाएं कि तालीम का ज़रूरी क्या है, तालीम की क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बस आप सबसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, सिर्फ आज यहाँ बात मुसलमानों की तालीम की बात नहीं हो रही है, इंडिया एज ए होल हमारा लिटरेसी रेट आज 74% है, और उसमें मुसलमानों का बहुत ही कम है, 62% है हमारा नेशनल एवरेज। वैसे ही वुमेन का लिटरेसी रेट भी बहुत कम है। तो इंडिया एज ए कंट्री ऑन द होल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गेट बेटर एजुकेशन, हम सबको समझना चाहिए, और समझने के लिए मैं ये मानती हूँ कि लोग तो पढ़ना चाहते हैं, लोग तो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, कॉलेज में जाना चाहते हैं, लेकिन इतने साल आज़ादी के 60-65 ईयर्स के बाद भी हमने इतने सारे सरकारें आई गई, मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हम कितना इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के लिए प्रोवाइड कर सके, हम कितने स्कूल्स अपने बच्चों के वास्ते दे सके। आज के दिन भी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं उर्दू टीचरों के लिए लड़ती हूँ मेरे एजुकेशन मिनिस्टर से, मैं बोलती हूँ है नहीं, बड़े मुश्किल से हमने स्कूल तो बना लिए लेकिन टीचर है नहीं, वो उर्दू का नहीं, नॉर्मल तेलुगु मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी स्कूल हो, सरकारी टीचर तो है ही नहीं, अगर कहीं सरकारी टीचर है तो वो ढंग से जाते नहीं हैं। तो ये सारे जब तक हमारे सरकार के तरफ से हम ठीक नहीं कर सकेंगे, हम लोगों को कैसे बोलेंगे कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम काम करते नहीं हो। माफ़ कीजिए मौलाना साहब, दो तीन शब्द जो आप बोले आपके स्पीच में, मुझे लगा कि हमारा मुसलमान कौम बहुत मेहनती कौम है, ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव थॉट में रहते, लेकिन जब तक मौके दिए नहीं जाते तो कैसे काम करें। और सब हम तो यही बोलना चाहते हैं, हमारे तेलंगाना में पहले से हिंदू मुस्लिम का इतना अच्छा तालमेल के साथ डेवलपमेंट हुआ, और एक ज़माना ऐसा था कि सारे सरकारी नौकरियों में एटलीस्ट 25% मिनिमम हमारे मुसलमान अफसर थे, लेकिन आज के तारीख में हालत ऐसा है नॉट इवन 2% वी हैव मुस्लिम ऑफिसर्स। तो यानी ये 60 ईयर्स में इंडिपेंडेंस आने के बाद, तेलंगाना को आंध्रा में मिलाने के बाद, जो जॉइंट स्टेट होने के बाद, हमारे पहले आप सब तो जानते ही है तेलंगाना में, मुझे तेलंगाना का एक बात एम्फोसिस करना है, क्योंकि पूरा इंडिया का बात अलग है, हमारा बात अलग है। यहाँ हमारा निज़ाम का हुकूमत था तो पूरा जो भी सरकारी काम चलता था वो उर्दू में चलता था, लेकिन द मूमेंट हमारे स्टेट को लेके आंध्रा में मिलाया गया, इमीडिएटली ऑफिशियल लैंग्वेज चेंज फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। तो हमारे हिंदू भाई जो यहाँ पे थे ना उनको इंग्लिश आता था, जो हमारे मुसलमान भाई यहाँ पे थे ना उनको इंग्लिश आता था, तो जितने भी सरकारी नौकरी थे
या इवन इन द सिस्टम ऑफ कोर्ट सर, यू शुड काइंडली अंडरस्टैंड, हमारे कोर्ट का सिस्टम ही अलग था. जब तक तेलंगाना आंध्र अलग था, हमारे सारे कोर्ट में हमारे जजेस थे. लेकिन द मूवमेंट बोथ द स्टेट्स वेयर मर्ज्ड, सीनियरिटी इंग्लिश जो पढ़ते थे उनको हो गया, तो हमारे जजेस भी जूनियर बन गए. फिर बाद में कभी भी आज तक हमें जस्टिस नहीं मिला है. तो हमारे तेलंगाना का मुसलमान भाइयों का हालत बहुत ही अलग है हिंदुस्तानी मुसलमानों से. मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, हम बहुत अच्छे तरीके से मिलजुल के पहले रहते थे, अभी भी रहते हैं, और हमारे मौके हमसे छीन लिए गए हैं. और जब से तेलंगाना बना है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब चंद्रशेखर राव साहब बहुत हमदर्द है मुसलमानों के. वो मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं. क्योंकि अगर देखे, मैं भी माँ हूँ, मेरे दो बेटे हैं, अगर मेरा छोटा बेटा को बुखार आ जाता है तो मैं उसके बारे में ज़रा ज़्यादा सोचती हूँ. तो भाइयों में, दोनों में जो छोटा है, जो वीक है, जो जिनको काम करने में मुश्किल होता है, उनके बारे में माँ हमेशा ज़्यादा सोचती है. वैसे ही हमारे चीफ मिनिस्टर साहब सोचते हैं जो हमारे मुसलमान भाई थोड़े पीछे रह गए ये पूरे प्रोसेस में, उनको हाथ दे के, हाथ पकड़ के चलाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि 12% रिजर्वेशन हम देंगे इलेक्शन से पहले. और आपने अपने रिजर्वेशन के बारे में भी कहा काफ़ी सारे बातें. मैं तो ये मानती हूँ कि जो हुकूमत के वजह से पीछे रह जाते हैं, वैसे कौमों को, या रिलीजियस के आधार पे हो चाहे, लेकिन कम्युनिटी के आधार पे हो, उनको तो रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए. क्योंकि जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो बाकी लोगों के साथ कंधा मिला के चलने में हिम्मत नहीं करते, हिम्मत नहीं दिखा सकते. तो हम तो बस आज इस मौके पे, इस मंच से बस इतना ही कहना चाहते हैं, तालीम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें कोई डाउट है नहीं. जितना सरकार कर सकता है वो कर रहा है, और तेलंगाना में और भी आगे जाके करेंगे. और तेलंगाना में एक बेहतरीन स्कीम नेक्स्ट ईयर से शुरू होगा, KG to PG, फ्री एजुकेशन फॉर एवरीबडी. Not only free but compulsory education for everybody. This is our dream. And inshallah, मैं तो सोचती हूँ कि तेलंगाना ये पूरा इंडिया में 100% education में जल्दी ही पहुँचने वाला है. बस उसी के लिए हमारा कोशिश रहेगा. और उसके साथ साथ मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान भाइयों के तरक्की में भी हमारा तेलंगाना नंबर 1 स्टेट होगा. अव्वल नंबर पर हम खड़े होंगे. और ये मौका देके इस मंच पे मुझे आप बुलाए, हम बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार है. और जो प्रोग्राम आज तालीम के ताकत के द्वारा ज़रिया आपने बताया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जितने भी जगह टीचर नहीं है वहाँ हम पहुँच सकते हैं. ये तो टेक्नोलॉजी हम सबके पास है, लेकिन यूटिलाइजेशन में कभी नहीं आ पाया. मैंने तो चांसलर साहब से दिल्ली में मिलके बात किया, उस समय मैंने उनसे कहा था कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं स्पेशल इंटरेस्ट लेके डेफिनेटली विल मेक श्योर दैट वी यूटिलाइज दिस टेक्नोलॉजी. वहाँ से शुरुआत करेंगे. और टेक्नोलॉजी तो हर जगह बढ़ना चाहिए, यूज़ होना चाहिए. हम आपके यूनिवर्सिटी के साथ भी मिलके बिल्कुल काम करेंगे. और जो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे डिप्यूटी CM साहब तो बताएंगे. और मैं बस यही कहते हुए आप सबसे आई वॉन्ट टू टेक लीव. थैंक यू सो मच. जय तेलंगाना.